the second generation vaccine. Yo guys, what are these second generation vaccine? फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा वायरस को डाल देंगे, वीक करके या मार के डाल देंगे, और उसके खिलाफ बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, और बॉडी याद करके रखेगा, मेमोरी से उसको याद रहेगा, हाँ ऐसा कुछ आया था, तो रियल में जब ऐसा कुछ आ गया तो उससे प्रोटेक्ट कर लेगा। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा वायरस को नहीं डालते, हम लोग सिर्फ उसका एंटीजन को डालेंगे, एंटीजन जैसे कि जो इम्यूनोलॉजिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कोविड मैंने स्पाइक प्रोटीन के बारे में बोला था, याद है ये स्पाइक प्रोटीन ही आकर के सेल्स में बाइंड करता है और इन्फेक्ट करता है, याद है कल बताया था। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये स्पाइक प्रोटीन को ही बना करके सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को डाल देंगे, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को डाल देंगे तो क्या होगा, बॉडी स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ वो प्रोड्यूस कर देगा, अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा, तो बाद में अगर कोविड वायरस आया तो वायरस आएगा तो ऑब्वियसली विद स्पाइक प्रोटीन ही आएगा आने से, तो उसके खिलाफ ऑलरेडी ऑलरेडी तैयार है एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग द वैक्सीन इज यस ओनली विद द इम्यूनोजेनिक और एंटीजन सब यूनिट डाल देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। इस मेथड को यूज करके भी बहुत सारा वैक्सीन बना है, चाइनीज वैक्सीन बहुत सारा है जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के हिसाब से बना है। और एक चीज और भी देखा गया पास्ट का एक्सपीरियंस है कि जो भी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है थोड़ा सा उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहता है, जैसे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में और जो कोविड का जो भी वैक्सीन अभी तक बन रहा है, ऐसा कहने को मिल रहा है कि बिकॉज द वायरस इज मोर लाइक इन्फ्लुएंजा, तो ऐसा हो सकता है कि हमको जो वैक्सीन है वो एक साल तक ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, दोबारा हमको नेक्स्ट ईयर फिर से लेना पड़ सकता है, ठीक है, दिस कैन हैपन। और ऐसा बहुत वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा का जो भी वैक्सीन है वो ईयरली हम लोग लेते हैं शॉट्स, बट अभी फिर से ये बात वही आ जाता है कि इट्स टू अर्ली टू टेल राइट नाउ, हम लोग विद द पासिंग ईयर ओनली वी विल रियलाइज कि क्या हो रहा है। और वॉलंटियर्स को तो ऑलरेडी वो लोग मॉनिटर कर ही रहे, ऑक्सफर्ड वाले अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले, तो वो लोग पता कर लेंगे कि एक साल में लेने से होगा या एक साल से ज्यादा वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और अभी जो एकदम लेटेस्ट वाला जो वैक्सीन है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, इनको हम लोग डीएनए वैक्सीन बोलते हैं, डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब वैक्सीन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सिर्फ पर्टिकुलर जीन्स को, जीन के सीक्वेंस को ही हम लोग, जैसे यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन है एंटीजन, तो स्पाइक प्रोटीन को कौन सा जीन बनाता है वो सीक्वेंस को हम लोग डाल देंगे, डालने से क्या होगा वो सीक्वेंस, देखो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो स्पाइक प्रोटीन बन जाएगा, स्पाइक प्रोटीन बन जाएगा उस डीएनए से, उस वैक्सीन में डीएनए है, ठीक है, डीएनए डाल देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और डीएनए में वो सीक्वेंस है विच हैज गॉट दिस स्पाइक प्रोटीन का कोड, ठीक है, डाल देंगे, उसके बाद प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगा, और बॉडी तैयार है, अब नया वायरस अगर आएगा तो वायरस को वो रोक लेगा आराम से, समझ रहे हो, बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्पेसिफिक जीन्स are focused, okay, and then it is done, okay, now I want to show you guys the list, okay, I want to show you guys the list of the enzymes, I want to show you the list of the vaccines, jo abhi ekdam latest, ye 20, aaj kitna tarikh hai bhai, aaj hai 3rd of August, 28th of July ko World Health Organization ne publish kiya tha, toh main tum log ko screen mein dikhata hoon, theek hai, yahan dekho, yes, this is the list, if you see draft landscape of COVID-19 vaccine, World Health Organization ne jo monitor kiya uska graph hai, I mean uska draft hai bole to, theek hai, aur inhone tumko ye vaccines ka naam nahi ratna, bas tum logo ko dikha raha hu ki we can be so much hopeful right now because 25 vaccines are in clinical evaluation, matlab human mein trials chal raha hai 25 vaccine ka, jisme se sabse aage Oxford wala vaccine, iske bare mein main bataunga, main teen vaccine ke bare mein bataunga, Oxford, मॉडर्ना और इंडियन वैक्सीन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है, देखो तो ये ऑक्सफर्ड वैक्सीन जो है, नाम क्या है इसका, CHADOX15, ठीक है, ये लोग सबसे आगे क्यों है ना, इसका भी रीजन है, मैं बताऊं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, ये लोग क्यों सबसे आगे पहुंचा, एक और कारण है, ठीक है, इसलिए रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट है मैं तुमको बताऊंगा, तुमको बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना। अच्छा एनीवेज, तो ये देखो फेज 1-2 इसका रिजल्ट भी आ चुका है, अभी फेज 3 चल रहा है, ठीक है, फेज 3 चल रहा है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है सिनोवैक, ये चाइनीज कंपनी है, यहाँ पे इनएक्टिवेटेड, वही फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, समझ रहे हो,
इनएक्टिवेटेड। यहाँ पे युहान इंस्टीट्यूट, ये भी चाइनीज वैक्सीन है, ये भी चाइनीज वैक्सीन है, ठीक है, ये सब फेज थ्री में है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैक्सीन आर इन फेज थ्री बोले तो, ठीक है। मॉडर्ना ये अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने आरएनए वैक्सीन बनाई, ये आरएनए वैक्सीन भी कैसे काम करते है बताऊंगा मैं। और ये तुम्हारा और एक है फाइजर, ये जर्मनी के साथ मिल करके एक और आरएनए वैक्सीन बनाया गया, ठीक है। आजकल आरएनए वैक्सीन बहुत बनाया जा रहा है, और इसके अलावा भी तुम अगर देखना चाहोगे 25 वैक्सीन है, यहाँ पे हमारे इंडियन वैक्सीन का भी नाम है लिस्ट में, कहाँ गया, ये रहा भारत बायोटेक, ठीक है, इनएक्टिवेटेड, होल वीरियन हैज बीन इनएक्टिवेटेड, पूरा का पूरा वायरस को इनएक्टिव, वही टेक्स्ट बुक मेथड जो पहली बार वैक्सीन बनाया था फर्स्ट जनरेशन वाला, उसी मेथड को यूज करके इन्होंने बनाया, उसी मेथड को यूज करके इन्होंने बनाया, ओके। और देखो ये सब तुम्हारा चल रहा है, 25 वैक्सीन जो है फेज वन में या फेज टू अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस में है, 139 वैक्सीन आर इन प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन, मतलब अभी एनिमल्स पे उनका टेस्टिंग चल रहा है, ये उनका लिस्ट है। इतना सारा वैक्सीन अब कोविड के खिलाफ चल रहा है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वैक्सीन इसी साल लॉन्च हो जाएगा, और भी वैक्सीन आने वाला है मार्केट में, बहुत वैक्सीन आने वाला है मार्केट में इसके खिलाफ, और विद टाइम हम लोग को मोर एंड मोर इफेक्टिव वैक्सीन मिलता रहेगा, बेटर वैक्सीन मिलता रहेगा, ठीक है। और ये रिकॉर्ड टाइम में प्रिपेयर हो रहा है, एग्जाम में तुम लोग को तो नहीं पूछेगा, अगर नेक्स्ट ईयर तक वैक्सीन आ जाएगा तो 2021 वाले बच्चों को ये पूछ सकता है कि विच इज द फास्टेस्ट मेड वैक्सीन, सो यही वैक्सीन है बच्चों और कोविड का जो वैक्सीन, क्योंकि वो बनेगा अगर मान लो ईयर के एंड में भी बनता है, ईयर के अगर एंड में भी अगर बनता है तब भी इट विल टेक हाउ मच, ईयर के एंड में भी अगर ये बनता है तब भी इट विल टेक 12 to 18 मंथ्स, यूजुअली 4 साल लगता है मैंने बोला, तो आधा टाइम में ही मैनेज हो गया है। कैसे हो पाया, मैंने बोला ना वो फेजेस को उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या ट्राई किया करने को कि उन फेजेस को रिड्यूस करने का ट्राई किया, मैन्युफैक्चर पैरेलल चला रहा है, फेज वन फेज टू को एक साथ कर रहा है, ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स काफी फास्ट किया है। ऑक्सफर्ड का वैक्सीन क्यों सबसे आगे है मालूम, ऑक्सफर्ड का वैक्सीन देखो, ऑक्सफर्ड वाले व्हाट दे डिड दे वर ऑलरेडी रिसर्चिंग ऑन द मर्स वायरस। मार्स वायरस जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो हुआ था ना, मैंने कल बोला था, और वो काफी ज्यादा डेडली डिजीज था कंपेयर टू कोविड-19 काफी, लेकिन कोरोना वायरस के ग्रुप का ही ये एक बीमारी था, कोरोना वायरस के ही कोई एक फैमिली मेंबर है जो ये डिजीज कॉज करता था, तो ज्यादा डेथ्स नहीं था इसलिए लोगों ने वैक्सीन के बारे नहीं सोचा। लेकिन यूएस ऑक्सफर्ड वाले जो है वो भाई रिसर्च वाले लोग है, उनको पसंद है रिसर्च करना, हमारा इंडिया जैसा नहीं है कि भाई मतलब इंडिया में रिसर्च बहुत कम है कंपेरेटिवली, ठीक है, रिसर्च को प्रमोट बहुत कम किया जाता है, तो वहां पे वो लोग रिसर्च कर रहे थे मार्स वायरस के वैक्सीन बनाने का रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, तो तभी क्या हुआ, रिसर्च चल रहा था 1-1.5 साल के भीतर ये कोविड-19 आ गया, मतलब वो लोग 2018 से ये मार्स का जो रिसर्च कर रहा था, लोग जेनेटिक सीक्वेंस उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, दे आइडेंटिफाइड द जेनेटिक सीक्वेंस एंड एवरीथिंग, और जाकर के उन्होंने फिर बाद में अभी जब वो 2018 में जब ये काम कर रहा था, प्री क्लिनिकल ट्रायल जब उनका चल रहा था जानवरों के ऊपर चिंपैंजी के साथ, तभी क्या हुआ, तभी उन्होंने देखा कि 2019 में या 2020 के स्टार्टिंग में ही एक कोविड-19 आ गया, नया वायरस आ गया, और तब उनको प्रायोरिटी हो गया, अरे मार्स तो खत्म हो चुका है, बहुत कम है यार मार्स, कोविड-19 तो साला पेंडेमिक है, बहुत खतरनाक फैल रहा है, चलो इसके खिलाफ ही वैक्सीन, अब प्रायोरिटी कौन सा होगा, ऑब्वियसली कोविड-19 प्रायोरिटी होगा क्योंकि ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो यूके को एक एडवांटेज मिल गया ऑक्सफोर्ड वालों को कि उनके पास ऑलरेडी मार्स का सीक्वेंस रेडी था, और कोविड मार्स का जो वायरस है वो भी एक कोरोना वायरस का फैमिली ही करता है, और जो कोविड-19 है वो भी कोरोना वायरस का फैमिली का ही मेंबर है, तो उनका जेनेटिक सीक्वेंस काफी हद तक सिमिलर रहा होगा, तो इसलिए मोर देन हाफ ऑफ द जॉब वॉज ऑलरेडी डन, सीक्वेंस ऑलरेडी, उनको फिर से रिसर्च करना नहीं पड़ा था कि अरे भाई सीक्वेंस पता करो एंड ऑल, उनको देखने को मिली गया कि अरे भाई सेम फैमिली का है, तो बहुत हद तक सीक्वेंस सेम है, कुछ जो 4%, 5%, 6% जो डिफरेंस है वो ही सिर्फ आइडेंटिफाई करना था, मतलब 90% जॉब वॉज ऑलरेडी डन, समझ रहे हो, तो उन्होंने एक नया टेक्निक से इसको बनाया। मैं बता दू ऑक्सफर्ड का वैक्सीन के बारे में कि जो ऑक्सफर्ड वैक्सीन है
पहले तो उस वैक्सीन का नाम क्या है, उस वैक्सीन का नाम उन्होंने देके रखा है CHAD, एडिनो वायरस यूज किया इसलिए OX1, ठीक है। It was made by Oxford University in association with a British pharmaceutical giant जिनका नाम है AstraZeneca। और इंडिया में AstraZeneca के साथ जो पार्टनर किया, ऑक्सफर्ड के साथ जो पार्टनर किया इंडिया में, उनका नाम है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में ऑक्सफर्ड वैक्सीन अगर लॉन्च हो गया तो इंडिया में ये लोग लॉन्च कर देगा, मैन्युफैक्चर कर देगा, इनका टाई अप है उनके साथ, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऑक्सफर्ड वाले ने क्या किया कि जो वैक्सीन है ना, इस वैक्सीन में एक वीकेंड एडिनो चिंपैंजी वायरस है, जिसको वेक्टर मेथड बोलते हैं, चिंपैंजी का वायरस है, एडिनो वायरस, वीकेंड एडिनो वायरस है जो कि चिंपैंजी का वायरस है, ओके। और इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया ताकि ह्यूमन के अंदर ये जा पाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सो दैट ये ह्यूमन के अंदर हम लोग इसका ट्रायल कर पाएंगे। अब देखो बच्चों, ये चिंपैंजी का वायरस है, तो एडिनो वायरस अगर ये मेरे बॉडी में डाल दिया जाएगा ना, मैं ह्यूमन हूं, ठीक है, तो मुझमें ये इन्फेक्शन नहीं करेगा, ठीक है, मुझ पे ये इन्फेक्शन नहीं करेगा। मैं बताता हूँ क्या क्या गया, देखो ये एडिनो वायरस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एडिनो वायरस है जो चिंपैंजी का वायरस है, ह्यूमन में इफेक्ट नहीं करेगा, इसको मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया ताकि ये स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस कर पाए। अब इस पे स्पाइक प्रोटीन है जो कोविड का प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, और इसको मैंने ह्यूमन में डाल दिया। क्या ये ह्यूमन में इन्फेक्शन करेगा? नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये एडिनो वायरस है। अगर ये कोविड वायरस होता विथ स्पाइक प्रोटीन तो ये ह्यूमन में इन्फेक्ट करता, लेकिन ये कोविड वायरस नहीं है, ये एडिनो वायरस है, अलग वायरस है, ठीक है। और ये ऑक्सफोर्ड वालों ने क्या किया, लेकिन इसके पास वो स्पाइक प्रोटीन है बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया और इसमें स्पाइक प्रोटीन है, तो अब ह्यूमन बॉडी क्या करेगा, स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। लेकिन क्या एडिनो वायरस डिजीज कॉज करेगा? नहीं करेगा। तो हमारे बॉडी में स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, तब जब कोविड वायरस जब अपना स्पाइक प्रोटीन लेके आएगा तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद है, हम लोग उसको खत्म कर देंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? तुम्हारे बुक में ये सब नहीं है भाई, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, ये टेक्निक है कैसे ऑक्सफर्ड, ये सब मॉडर्न टेक्निक्स है, वेक्टर मेथड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है हाँ या ना? किसको क्लियर है? ओके, ठीक है। और उसके बाद आता है, देखो उसके बाद जो और एक लीडिंग रेस में जो चल रहा है, दैट इज द मॉडर्ना वैक्सीन। मॉडर्ना बोल के एक यूएस का फार्म है, उन्होंने बनाया है एक वैक्सीन जिसमें एमआरएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, एमआरएनए टेक्निक, ये एमआरएनए वैक्सीन है। क्या करेंगे यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे वायरस का वायरल आरएनए को डाल दिया जाता है। वायरल आरएनए, देखो भाई प्रोटीन किस तरीके से बनता है तुमको मालूम है ना, जेनेटिक्स में पढ़ा है तुम लोग ने, पढ़ा है ना कैसे बनता है प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो वायरस का वो आरएनए का सीक्वेंस डाल दिया जाएगा जो कि प्रोटीन बनाएगा। अब वो स्पाइक प्रोटीन बना देगा अंदर में, उसको अगर डाल देंगे तो स्पाइक प्रोटीन अगर बना देगा, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन जब बना देगा इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा बॉडी, और जब असली कोविड वायरस आएगा विद द स्पाइक प्रोटीन तो बॉडी में ऑलरेडी हमारा तैयार होगा, और इस प्रकार से हम लोग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द एमआरएनए वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, ठीक है, जो यूएस का फार्म मॉडर्ना ने डेवलप किया, वन ऑफ द लीडिंग वैक्सीन है। ये लोग भी एक्सपेक्ट कर रहा है ईयर एंड तक लॉन्च कर देगा, दिसंबर तक। ऑक्सफर्ड भी उम्मीद कर रहा है लॉन्च कर देगा। और जो कोवैक्सीन है इंडियन वाला, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पे हम लोग पूरा वायरस को ही इनएक्टिवेट करके, वीक करके, कोविड का वायरस को ही वीक करके ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसा देंगे, ठीक है, और फिर बॉडी एंटीबॉडी बना देगा। एक हाथ कटा हुआ टेररिस्ट के खिलाफ गोली उली मारना शुरू कर देगा, तब जब असली टेररिस्ट आएगा तो हमारा आर्मी ऑलरेडी ट्रेंड है, वो आराम से उसको मार देगा, ठीक है।
अब देखो सबका अच्छा अच्छा बात है, सबको ही अपना अपना तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है और हम लोग चाहते भी है सबको ही सक्सेसफुल हो। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंडियन हूँ या फिर मैं इंडियंस का सपोर्टर के रूप में बोलना चाह रहा हूँ, बट द ट्रूथ ये है, जो सच्चाई ये है कि जो इंडिया का टेक्निक है ना, उससे हम लोग ऑलरेडी बहुत वायरस का वैक्सीन बना चुके हैं, चिकनगुनिया का वैक्सीन बना चुके हैं, पोलियो का वैक्सीन बना चुके हैं, इंजेक्टेबल पोलियो स्पेशली, और रोटा वायरस का वैक्सीन को भी इसी टेक्निक से ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं कि वायरस को वीकेंड करके डाल दो, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा और वो प्रोटेक्ट कर देगा। तो हमारे पास प्रूफ है कि हम लोग ने पहले भी सक्सेसफुली किया है। ऑक्सफोर्ड का रिसर्च बहुत अच्छा है, वो लोग रिसर्च, वो लोग इनोवेटिव लोग है, तो इन्होंने रिसर्च कर उड़ के ये सब किया है कि वेक्टर मैटर, लेकिन वेक्टर मैटर से पहले कोई ऐसा वैक्सीन नहीं निकला है आज तक, एमआरएनए से कोई इतना सक्सेसफुल वैक्सीन आज तक नहीं निकला ऐसा, ठीक है, बट दे आर वेरी होपफुल और अच्छा रिजल्ट आ रहा है और हम लोग चाहते भी है कि वो लोग ऑक्सफोर्ड वाले भी लॉन्च कर दे, यूएस वाले भी लॉन्च कर दे। लेकिन एज एन इंडियन नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज अ मेडिकल स्टूडेंट बोल रहा हूँ मैं कि जो, और पास्ट हिस्ट्री को देख के बोल रहा हूँ कि इंडिया का वैक्सीन का जो सक्सेस रेट है उसका चांसेस काफी ज्यादा हाई है, इसलिए बिकॉज हमारे पास पास्ट हिस्ट्री है कि हम लोग ने बहुत वैक्सीन को इसी तरीके से बनाया और बहुत इफेक्टिवली उन्होंने काम किया है। हमारे पास जैसे तुम पूछोगे ना सर आपका जो, अगर इंडियन वैक्सीन जो, अगर मैं बनाया हूँ वैक्सीन, तो पूछोगे ना आप क्या गारंटी दोगे कि ये वर्क करेगा, तो अगर मैं यूके वाला आदमी हूँ और यूएस वाला आदमी हूँ ना, तो मैं बोलूंगा देखो हम लोग लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अभी तक तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, काम करेगा। लेकिन अगर मैं इंडियन वाला वैक्सीन का आदमी हूँ, तो मैं बोलूंगा जो भारत बायोटेक का सीईओ ने भी बोला था कि हमारे पास एविडेंसेस है पहले का वैक्सीन बनाने का, हमारे पास एक्सपीरियंस है सेम तरीके से वैक्सीन बनाने का और पहले वो काम कर चुका है, ठीक है। इंडियन वैक्सीन जो है ह्यूमन फेस ट्रायल 1 और 2 में चल रहा है, सेफ्टी में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको एफिकेसी चेक करना है, मतलब क्या वो बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं, उसके बारे में भी पता आएगा, सितंबर तक पता चल जाएगा, और अगर सितंबर तक पता चल गया फेज 3 भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, और ये इंडियन वैक्सीन भी दिसंबर तक हम लोग आराम से लॉन्च कर सकते हैं या मैक्स टू मैक्स जनवरी फेब्रुवरी पकड़ लो, ठीक है। तो Q1 of 2021 तक आई थिंक मेनी वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर द मार्केट। तुम पूछ सकते हो ना सर मुझे कब मिलेगा, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, जो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का जनवरी फेब्रुवरी मार्च तक सबको मतलब इम्यूनाइजेशन मास लेवल पे हो जाएगा। हाँ ये इस बीच में रशिया का एक स्टेटमेंट आया है कि रशिया ने ये कहा है कि वो लोग अक्टूबर में ही टीचर्स और डॉक्टर्स को वैक्सीन दे देंगे, वो लोग लॉन्च कर देंगे, मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। एक्चुअली उनका फेज 1 सक्सेसफुल हुआ है, फेज 3 वो लोग वही चीज है, देखो जल्दी लॉन्च करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वो लोग मतलब कि जल्दी अगर तुमको वैक्सीन लॉन्च करना है तो वो स्टेप्स को स्किप करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने फेज 3 को स्किप कर दिया, बोला कि फेज 3 के पहले ही अप्रूवल दे दिया है, दे देगा अभी आई थिंक अगस्त में ही तुमको न्यूज मिल जाएगा कि रशिया का, उनका हेल्थ मिनिस्टर ने भी बोला है कि दे विल लॉन्च द वैक्सीन इन अक्टूबर एंड अप्रूवल इसी महीने में मिल जाएगा और इसी महीने प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और सितंबर में डॉक्टर्स और टीचर्स को पहले देंगे, ताकि टीचर्स शायद वो लोग नहीं जाता कि स्कूल वगैरह ज्यादा टाइम बंद रहे, और डॉक्टर्स क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो लोग तो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी किया है ये चीज को लेके। इंडिया में अभी तक नहीं किया ये चीज, बिकॉज इंडिया में भी देखो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, कि तुम लोग जैसे रशिया में तो पुतिन इज एवरीथिंग राइट, तो वो पुतिन अगर बोल दे कल की अरे लॉन्च कर दो वैक्सीन और जिसको लेना है ले सकता है, तो अभी भी इंडिया में भी वो चीज कर सकता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ऐसा अगर किया ना तो बहुत लोग, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो बहुत लोग क्वेश्चन रेज करेंगे कि भाई तुम पहले देख तो लो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से। हाँ थोड़ा टाइम ही लगने दो, लेकिन लोग तो, लोगों का लाइफ तो हम लोग रिस्क में नहीं डाल सकते। रशिया इज विलिंग टू टेक देयर रिस्क कि हमको भाई और बंद नहीं करना, हमको और कुछ बंद नहीं करना, हम लोग लॉन्च कर देंगे, ठीक है। सो आई थिंक दैट यू विल गेट द न्यूज वेरी सून अबाउट रशिया, और जो लोग व्हाट्सएप में मेरे साथ जुड़े मैं तो शेयर करता ही रहता हूँ ये सब, ठीक है। सो यही था वैक्सीनेशन के ऊपर इन कॉन्टेक्स्ट विद COVID-19। मैंने उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछ सकता है अबाउट द मॉडर्ना वैक्सीन, अबाउट फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, इंडियन वैक्सीन पे क्वेश्चंस पूछने का चांसेस थोड़ा हाई है, किसने डेवलप किया था ध्यान रखना है, ICMR का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, ये सब चीजें याद रखना है। ऑलराइट क्लियर, तो चलो इतना ही मुझे पढ़ाना था आज के लिए, और सबको क्लियर है कि नहीं मुझे एक बार फाइनली बता दो, और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, चैट बॉक्स मेरा खुला है, ठीक है। अदरवाइज जिनको समझ में आ गया वो मुझे बता दो और वो लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। क्लियर, जिनको जिनको समझ में आया बोलो और मैं मीटिंग बंद कर दूंगा, और किसी को उस सवाल है तब भी चैट बॉक्स यूज कर सकता है।
ओके, जिनको क्लियर है दे कैन लीव. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ओके ओके ओके. अरे रामायण पढ़ा दिया, पूछ रहा है कि सीता कैसे, सीता कौन है. अभिजीत यही तो बोला, वीकेंड पैथ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है यार, वीकेंड पैथोजन को लेकर के. ये स्क्रीन में क्या दिख रहा है तुमको, वही तो है. वीक वायरस को ह्यूमन के अंदर डाल देंगे, उसके बाद बॉडी एंटीबॉडी बना देगा, और फिर बाद में जब नया वायरस आएगा वो इन्फेक्ट नहीं होगा. सुनो ध्यान से, सुनाई दे सब बताया हुआ, वही तो बताया लास्ट में. एलर्जी का स्पेलिंग ALLERGY होता है फर्स्टली, और सेकेंडली एलर्जी के ऊपर ह्यूमन हेल्थ डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे, वो दूसरा कारण होता है उसके पीछे. इधर में कुछ लेना देना नहीं है इसका. एलर्जी इज बेसिकली एग्जेजरेटेड रेस्पॉन्स, जिसके बारे में ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ेंगे. वो एक टॉपिक ही है एलर्जी में, पढ़ाऊंगा वहाँ क्यों होता है वहाँ पे पता चलेगा. हमारे बॉडी में कुछ सेल्स है, ठीक है, हाइपर एक्टिव सेल्स, ठीक है, उसके वजह से क्या क्या होता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल्स देयर. Please wait till I teach human health and disease. You'll get the answer in that chapter. चलो ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं. गुड बाय.